अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको हमारी तरफ से सबसे पहले ईद मुबारक। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे आप सबको। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको ईद की। अब वो बिजली, हाँ, लोग जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। सुबह 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 के 8:15 बज गए। आपके साथ आज जुड़े रहेंगे, ईद का दिन हम आप सबको पूरा ब्लॉग बना के बताएंगे इंशाल्लाह। सी यू गाइस, बाय बाय। पापा जी, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक बेटा सबको, ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। आप लोग हो गए रेडी? जी हम रेडी हैं, आपके मुंतजर हैं। जल्दी से खा लो, निकलते हैं। मम्मा ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ईद मुबारक। एक महीने के बाद इस वक्त खाने लगा हूं तो बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन अब वाओ। शादियों में कैमरामैन ऐसे ही करते हैं। आओ का कुछ खाओ, कुछ खाओ, कुछ का एक चीज दिखाता हूं। क्या खाऊं? ये शादियों में खाओ का कुछ, मैं बता दूं। ओह नाइस शॉट। हाँ, इतनी जल्दी में क्यों? थोड़ा सा वक्त है, हमें 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में, लेकिन 20 मिनट में नमाज स्टार्ट हो गई, तो पानी शानी पी के निकल। जल्दी पियो पानी, 2 मिनट में निकलते। हाँ पियो। यस यस, जल्दी चैट में शाबाश, पियो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी अचानक से रियलाइज हुआ ईद मुबारक। ओ ये क्या लिया ईदी में? फोन इधर भाई ना। Are you kidding me, bro? चिकन नहीं है ये, समय है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए। अभी हम लोग घर से निकले हैं 2 मिनट पहले। यहाँ से ईदगाह नजदीक ही है, हमें जाना बड़ी ईदगाह में था, बट थोड़ा सा लेट हो गया इसकी वजह से, और बारिश भी थी, तो प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज हो गया, हमें चेंज हो गया। गाइस, जाम की वजह से हम लोग काफी देर से चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, तब से पहुंच ही नहीं रहे हैं अभी, बस इंशाल्लाह। कितना टाइम और पहुंच ही यहां थी पहले, बस अच्छा वो है सामने। लग रहा है हम भी चल रहे हैं साथ, आगे वो भी चलते जा रहे हैं। पहुंच गए माशाल्लाह माशाल्लाह। वो है सबसे प्यारा नबी, जिसके हुए बिन देखे सभी। वो है सबसे प्यारा नबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी कल्बी गैरुल्लाह। बहुत अच्छी नात पढ़ी माशाल्लाह आपने, बहुत मुबारक हो आपको ईद की। नमाज से हम फारिग हो चुके हैं, उसके बाद हमने शॉपिंग भी जाना है, सामान भी लाना है, और आज 2 डिशेस बनाएंगे, एक मैं बनाऊंगा, एक दावर बनाएगा। आपको सरप्राइज बताएंगे क्या बनाना है। अच्छा, सी यू गाइस। पापा वेट कर रहे हैं, हम गाड़ी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10 मिनट हो गए हमें इधर गाड़ी में, चलो चलो बाय बाय। मम्मा प्यास प्यास, रुको 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 रुको, आंखों में लग गया। मुबारक हो आपको। और दावत भूल गया, दी ना ईदी, ईदी एक बार रोटी देते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद सुनो दाओ मैंने तो तेरे यार बेटा। अस्सलाम वालेकुम नमाज पढ़ी वहाँ पे बड़ा मजा है यार। फर्स्ट टाइम हम बेली चलाने हम लोग नमाज पढ़ के घर पे आ चुके हैं, ईद मुबारक कर दी, ईदी अभी बाकी है, 3 बार लेनी होती है, भी लेंगे हम। और अभी हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर से सामान लाएंगे। सी यू गाइस, गुड बाय। दावर, हाँ, जूम कर, जूम। नहीं ऐसा नहीं, क्या बना रही होगी? पुलाव बना रही हूँ। पुलाव बना रही? ओह नाइस। वो है सबसे प्यारा नबी, जिसके हुए माशाल्लाह। बड़े टैलेंटेड हो आप यार। बस एक एक ले लेते हैं इसमें। नहीं चलना है इसको, क्या कहते हैं?
तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए, रास्ते में हैं, हम निकले हैं, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस तो नहीं, सीट बेल्ट भी नहीं पहने, फंस गए हम लोग गाइस, पुलिस आ गई सामने, बाय बाय, बच गए हम लोग गाइस। नहीं दवा आ गई ना कासली, ओह शिट गाइस, हम लोग वापस से बच गए दूसरी बार। यस, लेकिन गलत बात है ये तो गलत है, हमारी गलती है, ये डाल नहीं सकते हम, नहीं डालेंगे, लेकिन नहीं डालेंगे, गलती हमारी है गाइस, जब भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट पहनो। तो सीट बेल्ट हमने पहन चुके, हाय हाय, तो सीट बेल्ट हमने पहन चुके, अब हमने जाना चुके, सीट बेल्ट हम पहन चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे स्टोर में। गाइस हम लोग सामान लेने के लिए स्टोर में आ गए हैं और थोड़ी सी हमें यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा है और हम डेली व्लॉगर्स ऐसे नहीं ना, मतलब हमें आदत नहीं है ऐसे व्लॉगिंग, थोड़ी शर्म आ रही है हमें, कोई मसला नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग सामान लेके आ चुके हैं घर पे और अभी बस काम शुरू करेंगे। आज हम बनाने लगे हैं एक डेजर्ट डिश, पान शॉट्स, पान की एक स्पेशल टाइप ऑफ डेजर्ट है, आपको बताएंगे कैसे बनाना है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। हम भी पियेंगे, हम भी बनाने में हेल्प करेंगे, आप बनाओगे, हेल्प नहीं करोगे, मैं बस गाइड करूंगा दूर दूर से। नहीं नहीं, आप बनाओगे, हम गाइड करेंगे। अभी थोड़ा रेस्ट करके नैप लेके आए हम वापस उठे और अभी हम बनाना शुरू करेंगे जो आपको बताया था, तो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। अभी हम लोग पान शॉट बनाने लगे हैं, बताओ भैया। तो देखो जी, पान शॉट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पान। ओहो, पान तो है नहीं, तो पान पत्ता हम ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद पान पत्ते के बाद हमें चाहिए क्रीम, उसके बाद हमें चाहिए सौंफ, उसके बाद हमें चाहिए ये कोकोनट पाउडर, उसके बाद हमें चाहिए गुलकंद, उसके बाद हमें चाहिए टूटी फ्रूटी, उसके बाद हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, और साथ में पान को काटने के लिए चाहिए हमें कटर, और साथ में हमें चाहिए जिसमें मिक्स करना है मिक्सी, और चाहिए थोड़ी सी उम्मीद, और चाहिए उम्मीद। ठीक है, स्टार्ट करो। क्या हाल है एकदम? हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी, हाउ आर यू? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पान के पत्तों के एक्स्ट्रा नॉन रिक्वायर्ड पार्ट काटेंगे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। जो हेल्दी पान है इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे हम। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, देसी खुशबू आ रही है, इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे, डालो कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे इसमें। रेसिपी चैनल चल रहा है यहाँ पे हमारा। पाउडर शुगर, अब ये पाउडर शुगर डाल रहे हैं इसमें हम। अब क्या डाल रहे हो? गुलकंद। और खा क्या रहे हो? ओके, इसको बोलते हैं गुलकंद। थोड़ा और नहीं डाल रहा, इतना बड़ा कम है ये, अभी जरूरत के मुताबिक और डालेंगे, सौंफ डालेंगे थोड़ा सा। चल करो करो, ये कुछ अभी बना है हमारा, क्या बनाएगी मटेरियल, ये रॉ मटेरियल आया है अभी। अच्छा, ये भी डाल दिए, ये भी खाएंगे हम। कुछ बोलना चाहते हो आप? कुछ बोलना चाहते हो आप? जी जी बिल्कुल, ये एक बार जब बन जाएगा ना आपको इतना अच्छा लगेगा, आप तो अपनी उंगलियां खाते रह जाओगे, उंगलियां खानी है, उंगलियां खा जाओगे, ये वहीं पड़ा रह जाएगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा, सुन सुन के सहारा मुशरिक ईमान ले आते थे, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। अभी ये हमारा इतना तैयार हो चुका है, हमारा जो दूध में डालना है वो रेडी हो चुका है। ये चटनी की तरह क्यों लग रहा है, है ना? सही में मतलब टेस्ट भी चटनी जैसा हो। नहीं, तो
तो गाइस हमारी पहली चीज रेडी हो चुकी है और बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में। फाइनली रेडी हो गया, अब इसको सर्व करके फ्रीजर में रखेंगे। इनको ग्लास में डाल के हम लोग फ्रिज में रख देंगे और जब खाना खाएंगे इंशाल्लाह उस टाइम पे निकालेंगे। अच्छे से ऊपर ऊपर डालना। मैं वीडियो कैमरे में देख रहा था। ये रेडी है, अब इसको हम डीप फ्रीजर में रखेंगे, जब खाने के लिए बैठेंगे तब इसको निकालेंगे। ओके, अभी हमने एक चीज बनानी थी वो बना ली है और अब खाने के टाइम आपको मिलते हैं। सी यू गाइस, खाने के टाइम मिलते हैं। बाय बाय बाय। और कैसे हैं आप? सब खैरियत है? सब खैरियत। और सुनाओ? बस ठीक। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। और सुनाओ, खैरियत? और खैरियत, आप ठीक हो? बस ठीक। चलो टेक केयर, बाय बाय। और बताओ क्या होगा? तैबा से हवाएं आती हैं, बैकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? उस पार का आलम क्या होगा? कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वीर मुश्किल है जब चांद से। तो गाय ओके गाइस, वी आर बैक। तो हमने फ्रिज से इसको निकाल दिया है, अब ये हम ले जाके टेस्ट करवाते हैं मम्मी पापा को, देखते हैं उनका रिएक्शन और आप लोगों को बताते रहेंगे हम। चलें, आओ। अभी हम लोग पापा को ये पिलाएंगे और इनका रिएक्शन देखेंगे। पापा जी पियो, ट्राई करो। बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू पापा जी, थैंक यू। टावर ने मैंने दोनों ने बनवाया। पास हो गया, पास हो गया भाई। गुड बहुत। मम्मा आप ट्राई करो और बताओ हमें कि कैसा है ये। ओके, नाइस, बहुत अच्छा। फेक रिएक्शन क्यों दे रहे हो? बहुत अच्छा, वाओ। अच्छा लगा सच में? सच में। पक्का? तो गाइस मम्मा पापा दोनों को अच्छा लगा, अब हम देखते हैं कि मेरे को कैसा लगता है। ठीक है, ओके। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा है यार। ओके गाइस, हमने खाना वाना खा लिया है सारा और आज का पूरा दिन हमने जो भी किया आपको बताया। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और आप सबको फिर से ईद मुबारक। हमें दुआओं में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।